व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि वर्ल्ड में कौन कौन सी इकोनॉमी प्रचलित है, जिसमें हमने जाना कि मुख्य रूप से पांच प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं प्रचलित है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक आर्थिक प्रणाली के कार्य क्या होते हैं, व्हाट इज द वर्क ऑफ ए इकोनॉमिक सिस्टम एंड द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली जो है उसके क्या कार्य होते हैं और क्या समस्याएं होती है, क्योंकि हमें ये समझना है कि प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या होती है, तो पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि समस्याएं पैदा क्यों होती है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो देखिए, मेन रूप से कोई समस्या तीन कारण से उत्पन्न होती है। पहली चीज, हमारी आवश्यकताएं अनंत है। हमारी आवश्यकताएं इतनी अनंत है कि कोई भी आवश्यकता हमारी पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता हमारे यहाँ जन्म ले लेती है। हमारी अगर रोड बन जाती है तो हम सोचते हैं बैरिकेटिंग बन जाए, बैरिकेटिंग बन जाती है तो हमको लगता है पेड़ लग जाए, पेड़ लग जाते हैं तो हमको लगता है जगह जगह टॉयलेट्स बन जाए, टॉयलेट लग जाते तो बन जाते हैं तो हमको और कोई ना कोई आवश्यकताएं पैदा हो जाती है। यानी हमारी आवश्यकताएं जो है, व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत है। जैसे ही एक आवश्यकता खत्म होती है दूसरी आवश्यकता पैदा हो जाती है। हमको सुबह उठते ही लगता है चाय पी लेते हैं, चाय पीने की आवश्यकता खत्म होती है तो उसके बाद हमको लगता है ये कार्य कर ले, उसके बाद हमको लगता है खाना खा ले, खाने के बाद लगता है थोड़ी देर सो ले। वैसे एक इकोनॉमी की भी आवश्यकताएं अनंत होती है, सरकार की भी आवश्यकताएं होती है। सरकार ये चाहती है कि रोड बना लिया जाए, सरकार ये चाहती है कि नदी घाट योजना बनाई ली जाए, सब जगह स्कूल खोल दिया जाए, सब जगह हॉस्पिटल बना दिया जाए, जगह जगह कॉलेज खोल दिया जाए, जगह जगह बस स्टैंड बना दिए जाए। बहुत सारी सरकार की आवश्यकताएं होती है। कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है जिसके पास इतना पैसा हो कि वो सारी की सारी आवश्यकता को पूरा कर सके। 1947 से हम देश का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने खूब रोड बनाए, खूब शौचालय बनाए, खूब स्कूल बनाए, कोई कॉलेज बनाए, खूब चिकित्सालय बनाए, फिर भी हमारी जो नीड है वो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। और ना कोई काम होता है, हम देखते हैं सड़क में खड्डे पड़ गए उनको रिपेयर करानी है, नदी में प्रदूषण बढ़ गया उनको सही करना है, वायु प्रदूषण बढ़ गया उसको सही करना है, और नई बस्तियां बन गई है वहां पर हमको पेयजल की व्यवस्था करनी है, हमको बिजली की व्यवस्था करनी है, अभी भी ऐसे घर हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची वहां पहुंचानी। कहने का तात्पर्य यह है कि इकोनॉमी की आवश्यकताएं अनंत होती है। जैसे ही कोई आवश्यकता पूरी होती है दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। सरकार के पास नोट छापने की मशीनें होती है, पूरा का पूरा रिजर्व बैंक सरकार के पास है, फिर भी सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है क्योंकि आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है। सब तरफ डेवलपमेंट करना है, गांव का भी विकास करना है, शहरों का भी विकास करना है, रोड का भी विकास करना है, परिवहन में संचार के साधनों का भी करना है, शिक्षा का भी करना है, चिकित्सा क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है, विदेश व्यापार को भी बढ़ाना है, कृषिगत उत्पादन करना है, औद्योगिक उत्पादन करना है, सेवाओं का विकास करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस गति से हम नोट छाप रहे हैं उससे ज्यादा आवश्यकताएं सरकार के पास है। तो सबसे पहली समस्या ये होती है कि हमारी आवश्यकताएं अनंत है। आवश्यकताएं सीमित हो तो कोई समस्या ही नहीं। एक व्यक्ति साधु संन्यासी बन गया है, उसकी आवश्यकताएं ज्यादा नहीं है, उसको एक टाइम दो टाइम सुबह शाम उसको दो दो रोटी और थोड़ी थोड़ी सब्जी चाहिए तो वहां उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारी आवश्यकताएं बहुत अनंत होती है। एक व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं तो हमारे पास मकान हो जाता है तो सोचते हैं कार भी हो जाए, कार हो जाता है तो सोचते हैं हमारे पास एक अच्छा व्यवसाय भी हो, व्यवसाय भी अच्छा हो जाता है तो हम सोचते हैं हमारे पास फार्म हाउस भी हो, फार्म हाउस भी हो जाता है तो हम सोचते हैं हमारे पास बैंक बैलेंस भी हो। यानी हमारी आवश्यकताएं ऐसी है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। सिमिलरली सरकार के साथ भी ऐसा ही है कि सरकार की आवश्यकताएं अनंत होती है। दूसरा, साधन जो होते हैं इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो साधन सीमित मात्रा में होते हैं। सरकार की भी एक लिमिट है, एक लिमिट से ज्यादा अगर नोट छापेंगे तो मुद्रा स्फीति की समस्या हो जाएगी। हमारे पास भी जो पैसा होता है वो एक सीमित मात्रा में होता है तो हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम इस पैसे का क्या करें, हम कपड़े सिलवाएं पैसे का, कि किराने का सामान खरीदें, कि डेयरी उत्पाद खरीदें, कि मकान का रंग रोगन कराएं, कि मकान की मरम्मत कराएं, कि किसी कहीं घूमने जाना है उस पर खर्च करें, कि हम उससे एक नई कार लें। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास जो पैसा होता है वो सीमित मात्रा में ही होता है और हर व्यक्ति के पास पैसा सीमित मात्रा में होता है और आवश्यकताएं अनंत होती है। आप देखिए कि जो बहुत पैसा कमाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंबानी और
अडानी तो बहुत पैसा कमाते हैं, उनकी भी आवश्यकता है, उनके पैसा कमाने की तुलना में ज्यादा होती है, तभी तो वो ये सोचते हैं कि हम नया नया काम करें। कभी सोचते हैं हम टेलीकॉम सेक्टर में जाएं, कभी हम सोचते हैं सीएनजी सेक्टर में जाएं, कभी सोचते हैं एरोड्रम का विकास करें। यानी उनके पास जितने साधन है, जितना पैसा है, उससे भी उनकी भी आवश्यकताएं ज्यादा होती है, और उनके पास पैसा क्या रह जाता है, कम रह जाता है। हर व्यक्ति की आवश्यकताएं ज्यादा होती है, पर साधन क्या रह जाते हैं, कम रह जाते हैं। कोई व्यक्ति कितना ही करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी है, तो भी जितना उसके पास पैसा है, उसके तुलना में उसकी आवश्यकताएं ज्यादा होती है। ये सबके साथ है, गरीब के साथ भी है, मिडिल क्लास के साथ भी है, हायर क्लास के साथ भी है। हर व्यक्ति की आवश्यकताएं ज्यादा होती है और साधन सीमित होते हैं। हर राष्ट्र की भी आवश्यकताएं ज्यादा होती है और साधन सीमित होते हैं, और साधन वैकल्पिक होते हैं। हमारे नोट पर यह नहीं लिखा होता है कि इससे आपको ये जो नोट है इससे राशन ही खरीद सकते हैं, इससे कार का पेट्रोल ही भरा सकते हैं, या इससे मकान का रंग रोगन ही करा सकते हैं। जो हमारे पास साधन है, उस साधन का वैकल्पिक प्रयोग है। बहुत सारे कामों में हम पैसों को यूज कर सकते हैं। हम उससे परिवहन में भी खर्च कर सकते हैं, घूमने में भी खर्च कर सकते हैं, खाने पीने में भी खर्च कर सकते हैं, कपड़ों पर भी खर्च कर सकते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने में भी खर्च कर सकते हैं, सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर भी देख सकते हैं। यानी हमारे पास जो साधन है वो कम मात्रा में है और वैकल्पिक प्रयोग है। उस साधन के बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग है। सरकार के पास जो पैसा है उसके बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग है। सरकार उससे स्कूल बना सकती है, कॉलेज बना सकती है, हॉस्पिटल खोल सकती है, रोड बना सकती है, नदी घाटी योजना बना सकती है, कोई परिवहन का साधन खरीद सकती है, सैटेलाइट लॉन्च कर सकती है, सैन्य उपकरण खरीद सकती है, लोगों को सैलरी बांट सकती है। सरकार के पास भी जो होता है, साधनों की सीमितता होती है, पर सरकार के काम बहुत होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, पहली चीज है मनुष्य की आवश्यकताओं की अनंतता होती है, और अनंतता के साथ वैकल्पिक व सीमित साधन होते हैं। तो ये चयन की समस्या हो जाती है कि क्या करें। आपके पास पैसा कम है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस पैसे से मकान लाऊं, या मैं इससे मकान खरीदूं, या घूमने के लिए जाऊं, या मैं अपने बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करूं, क्योंकि साधन सीमित मात्रा में है। सिमिलरली सरकार के पास भी साधन सीमित मात्रा में होते हैं, तो सरकार के समक्ष एक चयन की समस्या हो जाती है कि जो पैसा है उसको गरीब कल्याण पर खर्च किया जाए, कि उससे रोड बनाया जाए, कि उससे विदेश व्यापार को संचालित किया जाए, कि उससे नदी घाटी योजनाओं को किया जाए, उससे शिक्षा भवन बनाए जाए, उससे शाला हॉस्पिटल खोले जाए, हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स खरीदे जाए। तो मेन जो समस्या होती है वहां ये निर्णय लेना पड़ता है, चयन करना पड़ता है कि क्या करें। हमारी तनख्वाह कम होती है तो हम ये डिसाइड करते हैं कि इस बार हम ये काम करेंगे, अगले महीने ये काम करेंगे। ये चयन करना पड़ता है कि हमारे पास जो पैसा है उस पैसे से हम क्या करें। हम उससे जो पैसा हमारे पास बचा है उसके से मकान की मरम्मत कराएं, या कार नई खरीदें, या एक नया प्लॉट खरीदें, या हम उससे घूमने के लिए जाएं। तो ये एक चयन की समस्या होती है, और ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के साथ भी एक चयन की समस्या होती है। सरकार को भी ये निर्णय लेना पड़ता है। कोई राष्ट्र कितना भी पैसे वाला भी हो तो भी उसकी आवश्यकताएं अनंत होती है, और साधन जितनी उसकी आवश्यकताएं होती है उसकी तुलना में कम ही रहते हैं, तो वहां पर भी चयन करना होता है। अमेरिका अर्थव्यवस्था बहुत समृद्ध अर्थव्यवस्था है, तब भी वहां ये निर्णय करना पड़ता है कि सुरक्षा पर कितना खर्चा किया जाए, कितना जनकल्याण पर खर्चा किया जाए, कितना मानवीय आवश्यकताओं पर खर्च किया जाए। वहां अनलिमिटेड इतना पैसा नहीं है कि सुरक्षा पर भी बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया जाए, जनकल्याण पर भी खूब खर्च कर दिया जाए, शिक्षा पर भी बहुत खर्चा कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, जिसको चयन की समस्या कहते हैं। तो जो हमारा प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं, वो पूरी तरह से इन तीन बातों पे डिपेंड है कि अब व्यक्ति की और राष्ट्र की आवश्यकताएं अनंत है, और आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति और राष्ट्र के पास जो साधन अवेलेबल है वो साधन सीमित मात्रा में ही है, और इन सभी साधनों के सीमित व वैकल्पिक प्रयोग है। इस वजह से एक चयन की समस्या उत्पन्न होती है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि क्या चयन की समस्या है और किस प्रकार से इनको सॉल्यूशन किया जाता है। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारी प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है, और विभिन्न अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसको किस प्रकार से सोल्व करती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उन समस्याओं को समाधान कैसे किया जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो प्रमुख आर्थिक समस्याएं उदय क्यों होती है, क्यों समस्याएं जन्म लेती है, ये आपको समझाने में लाभप्रद होगा। धन्यवाद।